नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक पदों के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। महत्वपूर्ण सूचना ये दी जा रही है कि ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगर आप ट्रेनिंग में भाग नहीं लेते हैं तो आपकी पात्रता को निरस्त किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर आपका नियुक्ति हो गया है तो आपको ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारता को बंद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, या फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा। सो आपको नियुक्ति जरूर करनी है और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी करना है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीने से जारी पंचायत सहायक की भर्ती प्रक्रिया अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। इस भर्ती के जरिए करीब 58,109 पदों पर पंचायत सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जैसे मुजफ्फरनगर, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मऊ, कानपुर देहात में चयन समितियों द्वारा करीब 48,000 पदों पर उम्मीदवार चुन लिए गए हैं और चयनित अभ्यर्थियों में करीब 20,000 उम्मीदवारों के अनुबंध पत्र भी जमा करा लिए गए हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थी पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस संबंध में और जानकारी देख सकते हैं। हालांकि अभी कुछ जिलों में उम्मीदवारों का चयन होना बाकी है, जिसके बारे में फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाएगी और उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल सकेगी। हालांकि उम्मीद यह भी की जा रही कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर लिया जाएगा। दरअसल यूपी पंचायत सहायक भर्ती का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कुछ उम्मीदवारों का यह दावा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया तक के नियमों में कई खामियां हैं, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हालांकि अभी भी याचिका में कुछ नहीं हो पाया है और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पद पर रोक लगी हुई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। इसके अलावा कोर्ट से संबंधित इसके बाद कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है और तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन बना हुआ है। अगर आप भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल है तो आप इससे जुड़ी जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं। अब जानते हैं कि इसके लिए मापदंड क्या बनाए गए थे, यूपी पंचायत सहायक भर्ती के लिए क्या मापदंड सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे। इसके लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। साथ ही उम्मीदवार उसी ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए जिस ग्राम सभा से आवेदन कर रहा है। जहां पर आयु सीमा की अगर बात करें तो यहां पर कम से कम 18 वर्ष की उम्र चाहिए थी और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र। साथ ही साथ आरक्षित वर्गों के लिए 5 साल के लिए और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट भी दी गई थी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए आप बने रहिए टेक गुप्ता हिंदी पर। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।